हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आइए आज आप सबको ले चलती हूँ मैं अपने साथ मिड ऑटम फेस्टिवल सेलिब्रेट करने। जी हाँ, यहाँ चाइना में गर्मियों के बाद और सर्दियों से पहले मिड ऑटम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि सितंबर में सेलिब्रेट किया गया था। और ये फुल मून या पूर्णिमा के दिन पड़ता है, इसीलिए इसे फुल मून फेस्टिवल भी कहा जाता है। तो यहाँ पेकिंग यूनिवर्सिटी में ना एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें यहाँ पे जितने भी फॉरेनर्स हैं उनको इनवाइट किया गया था, ताकि उन्हें इस कल्चर के बारे में बताया जा सके और ये बताया जा सके कि ये कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, ये फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो आइए लेके चलते हैं आपको भी अपने साथ और देखते हैं कि क्या होता है और किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो पहुंचते से ही था वहाँ पे कुछ स्नैक्स उन्होंने रखा था, लाइक जूस और पेस्ट्री वगैरह था। फिर प्रोग्राम स्टार्ट होता है, जिसमें उन्होंने पहले हमें ये बताते हैं कि ये फुल मून फेस्टिवल, मिड ऑटम फेस्टिवल में उनकी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ क्या हैं और वो क्यों मनाते हैं। और फिर ये बताया कि इस दिन पे, इस फेस्टिवल पे यहाँ मून केक बहुत ही फेमस होता है, तो वो क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाते हैं, उसके अंदर स्टफिंग वगैरह क्या होता है। तो और उसके बाद उन्होंने हमें बनाना भी सिखाया, तो आगे दिखाते हैं आप लोगों को कि वो हम लोगों ने कैसा किया। अभी समय आ गया है कि हम लोग भी मून केक बनाना सीखेंगे, और इसके लिए उन्होंने बहुत ही क्यूट सा ये एप्रन दिया है, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये यहाँ की शेफ हैं जो हमें बता रही थी कि कैसे बनाना है इसे। तो इसके लिए इन्होंने स्टफिंग और वो डो वगैरह सब बना के रखे थे, और हमें सिर्फ ये से बनाना सिखा रहे थे, जैसे अपने यहाँ जैसे डम्पलिंग बनती है कुछ वैसा टाइप का बना के फिर उसे मोल्ड में, पेकिंग यूनिवर्सिटी के मोल्ड में करना था, फिर बाद में ये इसको अलग से वो बेक करते। तो अभी देखते हैं। तो यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ पता चली कि ये जो मिड ऑटम फेस्टिवल है, ये चाइना के साथ साथ अदर कंट्रीज लाइक जापान, कोरिया और बैंकॉक, इन सब जगहों पे भी सेलिब्रेट किया जाता है। वो सबका तरीका अलग अलग होता है, और वहाँ पे भी मून केक बनाया जाता है। तो सबके अपने अलग अलग ट्रेडिशंस है या अलग अलग उनकी फीलिंग्स होती हैं। ऐसा सेलिब्रेट करने के लिए मुझे एक चीज़ पता चली जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कि इसमें पूरे मार्केट में तो मून केक भरा रहता है, वो मैंने देखा। और यहाँ पे KFC और मैकडी वगैरह भी, क्योंकि वो उनका जो बन होता है वो गोल गोल होता है, तो मून केक फेस्टिवल में वो ऐसा ऑफर वगैरह देते हैं, स्पेशल बर्गर वगैरह निकालते हैं, जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा और सबका सेलिब्रेट करने का। मुझे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था और मजा भी बहुत आ रही थी करने में। मुझे तो ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम की तरह सा लग रहा था। फिर हम लोगों ने ना ये सबने मिलके ये पूरा मून केक बनाया, और सबने अपने अपनी अलग अलग क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश की, अलग अलग कलर का स्टफिंग के साथ, अलग अलग कलर के डो के साथ सबने बनाया। फिर बाद में ये लेके गए, इन्होंने इसको बेक किया। Look at their names. So we can notice that rated as lyrics for specific songs. So of human beings with the wax and wane of the moon. So you put these two things together. तो चाइना में ना फुल मून फेस्टिवल के लिए एक इनका ऐसा मानना है कि इनकी देवी हैं छांगे, जो कि चांद पे रहती हैं, और फुल मून वाले दिन वो बाहर आती हैं। तो ये यहाँ के लोग उनसे आज के दिन प्रे करते हैं कि हमारी हेल्थ की रक्षा करिएगा, हमारी सेफ्टी और प्रॉस्पेरिटी हर चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए ये लोग एक पोइट्री गाते हैं, तो हम लोगों को भी पहले उस पोइट्री को बताया गया कि उसका मीनिंग क्या है और कैसे बोला जाता है। फिर हम लोगों को भी वो पोइट्री गाने के लिए सिखाया गया कि कैसे बोल सकते हैं, और फिर हम लोग भी उस पोइट्री को गाने की मैंने भी थोड़ी सी कोशिश की। Let's play together.
और इन सब के बाद हम लोगों को दिया गया ये एक कार्ड, जिसमें इस फेस्टिवल के दिन यहाँ के लोग एक दूसरे को गुड विशेस देते हैं या लिख के देते हैं। तो हमें भी ये सारी विशेस दी गई कि आप इनमें से जो भी चाहें आप वो विशेस लिख सकते हैं। तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका मतलब समझाया गया और फिर हमने भी इसे लिखने की कोशिश की और मैंने अपने लाइफ में पहली बार चाइनीज लिखा, जो कि मुझे ऐसा थोड़ा सा आर्ट की तरह लग रहा था, जैसे मैं कोई पेंटिंग वगैरह कर रही हूँ और ये मैंने पहली बार लिखा है। Wow, yours is pretty. Mine is just so awkward. This was all about the event of autumn festival और बाद में उन्होंने हमें कुछ मून केक्स गिफ्ट भी दिए घर ले जाने को। तो मुझे तो ये बेसिकली मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा कि यहाँ की गवर्नमेंट अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए कितना ज़्यादा एफर्ट्स डालती है। और आप भी कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।